को सीधा लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान वो संबोधन भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। एक जो हमारा बद्दूपन था, जो एक पिछलग्गूपन था, वो दूर जा चुका है। अब नया भारत जो बना है, वो नया भारत ऐसा भारत है, हमने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, यानी कि 2047 तक देश का अमृत काल चलने वाला है। और इस अमृत काल में हमने हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में नंबर वन पर रहना है, अब ऐसा कीर्तिमान बनाना है जिसके लिए हम बहुत वर्षों वर्षों से सोचते आए थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया के आगे चलने वाला भारत, दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, दुनिया को राह दिखाने वाला भारत, गौरवशाली भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत। तो ऐसे भारत की कल्पना हम सब लोगों ने की है, उसमें खेलों की हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और खेलों को लेकर हम लगातार पूरी तरह से हम जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का हो या हमारे समाज का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और इन खेलों को लेकर हमने अभी राष्ट्रीय, अभी उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति भी हम लाए हैं और नई खेल नीति में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं कि ऐसे बेटे बेटियां जो खेलने के लिए जाते हैं, उनको पहले जब वो खेलने जाते थे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब अच्छे हम पदक जीत जाते हैं, हम अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमको आगे सम्मानित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन शुरुआती दिनों में जब जाते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सबको ध्यान में रख के हमने नई खेल नीति अभी लाए हैं, उस नई खेल नीति में बहुत सारे प्रावधान किए हैं और बहुत सारे प्रावधान हमें आगे भी करने हैं। समय समय पर हमने कहा है जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो भी अच्छा होगा, जो उनके हित में होगा, उसको हम बार बार करते रहेंगे। उसको अगर कहीं पर और अधिक सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार भी करते रहेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपका ये जो यहाँ पर क्रिकेट एजेंसी है वो बहुत सफल होगी, आप सब अपना अपना हुनर यहाँ पर दिखाएंगे और आगे चलकर आज यहाँ पर प्रादेशिक स्तर पर और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। यही शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वही उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लाने का प्रावधान किया गया और जल्द ही उत्तराखंड में भी नई नीति लागू होगी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।